नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक पर शहर के कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक की बड़ी खेप जब्त की गई, साथ ही इसका बड़े पैमाने पर विक्रय करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। भिलाई निगम ने अनेकों स्थान पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जब्ती के साथ ही जुर्माना लगाया। वैशाली नगर जोन क्षेत्र के गौरव पथ के पास 36 बोरी सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए 10,000 का जुर्माना वसूला गया तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रय नहीं करने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा निगम की टीम ने घूम घूम कर शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर दुकानों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माता की पहचान कर सूचीबद्ध करने को कहा है। इसी तारतम्य में भिलाई निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पर सख्ती से कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, लगातार जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर निगम प्रशासन जो है निरीक्षण कर रहा है, दुकानों को सर्वे कर रहे हैं, बाजार क्षेत्रों, मार्केट क्षेत्रों में, ठेलों, गुमटियों में, सभी स्थलों पर जो है निगम की जो गठित टीम है प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई के लिए वो सर्च कर रही है। इसी तारतम्य में जो है नेहरू भवन के पास में एक काफ़ी बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो प्राप्त हुआ है, और इसके उसको जो है जब्ती करते हुए निगम प्रशासन ने 4,300 रुपये का जुर्माने की कार्रवाई की है। हाल ही में 35 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक और भी जब्त किए गए थे। इस प्रकार से लगातार जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर निगम प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और मेरी शहरवासियों से भी अपील है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, विक्रय न करें, और जो है प्लास्टिक फ्री की दिशा में शहर को ले जाने में इस सहयोग प्रदान करें। वर्तमान में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर की गई कार्रवाई खास रही, क्योंकि बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती हुई है। आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई भिलाई निगम करता रहेगा। शहर से प्रतिबंधित प्लास्टिक को समाप्त करने शहरवासियों से भी अपील की गई है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।